ममता बनर्जी पहले भी कई बार कर चुके हैं विवादित टिप्पणी। कल्याण बनर्जी की सुर्खियों में रहने की आदत है पुरानी। पीएम मोदी को भी अपमानित कर चुके हैं कल्याण बनर्जी। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जो सभापति की मिमिक्री कर सुर्खियां बटोरी हैं, उसकी वजह से उनकी मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। कल्याण बनर्जी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि सभापति जगदीप धनखड़ की संसद परिसर में ही मिमिक्री करके जो उन्होंने उनका मजाक बनाया है वो उन्हें काफी भारी पड़ सकता है। हालांकि कल्याण बनर्जी को अपनी इस हरकत पर कोई पछतावा नहीं है, वो तो मिमिक्री को आर्ट बता चुके हैं। One type of art. Mimicry has been done by also the Honorable Prime Minister in the Lok Sabha itself. I can show you the video. He has done it in the last term in 2014 to 2019 in the Lok Sabha itself. But everyone has taken it as okay. It's a, not seriously. But if anyone takes it seriously, I'm helpless. और फिर ऐसा भी नहीं है कि अपनी किसी गलत हरकत की वजह से पहली बार सुर्खियों में छाए हैं, बल्कि कल्याण बनर्जी का विवादित टिप्पणी और विवादित हरकतें करने का पुराना रिकॉर्ड रहा है। सभापति जगदीप धनखड़ से पहले कल्याण बनर्जी पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी विवादित भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। वहीं जगदीप धनखड़ जब बंगाल के राज्यपाल थे तब भी अपनी जुबान पर काबू नहीं कर पाए थे कल्याण बनर्जी। चलिए एक एक कर छानते हैं कल्याण बनर्जी का विवादित रिकॉर्ड। विवादित टिप्पणी कर कब कब सुर्खियों में छाए कल्याण बनर्जी। 2009 में पूर्व सीएम की आलोचना कर चर्चा में आए। छात्र राजनीति में स्नातक और कानून स्नातक कल्याण बनर्जी हमेशा से ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति वफादार रहे हैं। पहली बार साल 2001 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के सदस्य बने थे कल्याण बनर्जी। पश्चिम बंगाल में सेरामपुर लोकसभा सीट से 3 बार सांसद बनर्जी पहली बार निशाने पर साल 2009 में लिए गए थे अपनी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर। तब उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के शहर के सांस्कृतिक केंद्र नंदन में बिताए गए समय की आलोचना की थी। 2016 में कल्याण बनर्जी फिर भूल गए थे मर्यादा। साल 2012 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार से टीएमसी के समर्थन वापस लेने के दौरान कल्याण बनर्जी के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति मुद्दे पर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा के साथ तूतू मैमै हो गई थी। फिर 4 साल बाद यानी कि साल 2016 में कोलकाता में भारतीय रिजर्व बैंक कार्यालय के बाहर नोटबंदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच कल्याण बनर्जी ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिस पर उनकी खूब आलोचना हुई थी। 2021 में भगवान राम को भी कल्याण बनर्जी ने नहीं बख्शा। जनवरी 2021 में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले कल्याण बनर्जी ने उत्तर प्रदेश की हाथरस की घटना को लेकर बीजेपी की आलोचना की थी। देवी सीता और भगवान राम का जिक्र कर नया विवाद खड़ा कर दिया था। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने बनर्जी की तीखी आलोचना की थी और कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई थी। धनखड़ के खिलाफ पहले भी जहर उगल चुके हैं कल्याण बनर्जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में धनखड़ के कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार का अक्सर उनसे टकराव देखने को मिलता था। कई बार तो कल्याण बनर्जी ने अन्य नेताओं के साथ राजभवन के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। कल्याण बनर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं से धनखड़ के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का भी आग्रह किया और सुझाव दिया कि राज्य के राज्यपाल पद से हटने के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो कुछ ऐसा रहा है कल्याण बनर्जी का इतिहास। कोई पहली बार अपनी किसी हरकत की वजह से वो सुर्खियों में नहीं छाए हैं। और फिर आपने देख तो लिया ही है कि किस तरह से मौजूदा राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर उन्होंने उन्हें कैसे अपमानित करने का काम किया है। हालांकि अपनी सफाई में कल्याण बनर्जी का क्या कुछ कहना है जरा सुनिए। इफ ही हैज टेकन ऑन हिज शोल्डर आई एम रियली हेल्पलेस। डाजी रियली बिहेव लाइक दिस इन द राज्यसभा? दैट्स माय क्वेश्चन। नाउ दैट्स माय क्वेश्चन। नो आई हैव नेवर इंटेंडेड। They'll be seen. Either you allow me to speak, otherwise you will. No. Then either you allow me to speak or then. Now I will tell. I have never any intention to hurt anyone. Dhankar Saab is a
also in my profession, he is a senior to than me. He is also senior advocate. I am also senior advocate. In our profession, we never do. We never hurt anyone. I did not intend to do it. But if he is hurt, then I do not know why he is taking it on his shoulder itself. I do not know. Because my question is, does if he thinks that there is similarity between the behavior of him and myself, then my question is, does he behave in this way in the Rajya Sabha? I have a great respect for Dhanakar ji. Firstly, he belongs to my profession. Secondly, he was our ex-governor. Thirdly, he is our vice president, he is the chairman. But I did not want to hurt anyone. And it's a one type of art. Mimicry has been done by also the Honorable Prime Minister in the Lok Sabha itself. I can show you the video. He has done it in the last term, in 2014 to 2019, in the Lok Sabha itself. But everyone has taken it as okay. It's a, not seriously. But if anyone takes it seriously, I am helpless. Sir, Prime Minister called and said that they have been insulting me since 20 years. What is your take on it? But 20 years I am not there. Why he is taking my name? 20 years. Sir, they demanding an apology. No, 20 years. 20 years, I am not there. Long 20 years. How we can link up any past incidents with that? Digvijay Singh ji, ek baat sunna mere dhyan se. Se baith jaiye. Maine kuch der pehle ek TV channel par dekha hai. Giravat ki koi had nahi hai. Giravat ki koi had nahi hai. आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे. आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो. मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आई. कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो. Sit down.